वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वाति अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्वर सप्तक के बारे में ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि स्वर सप्तक क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है, किस हिसाब से जो संवाद बनता है वो किस हिसाब से बनता है, कौन से स्वर लेते हैं जिसमें हम लोग संवाद बनाते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्केल हैं उनके स्केलों के नाम के बारे में, और एक एक करके एक एक दो दो वीडियो करके उसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। स्वर सप्तक आज भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों देशों में 12 स्वरों की सप्तक का प्रयोग हो रहा है। मतलब कि अब हमारे कितने स्वर हो गए, 12 स्वर हो गए। आजकल निम्न प्रकार के स्वर सप्तक प्रचलित हैं। सबसे पहला नेचुरल स्केल, फिर पायथागोरस स्केल, नंबर थर्ड डायटोनिक स्केल, नंबर फोर्थ क्रोमेटिक स्केल, नंबर फिफ्थ टेम्पर्ड स्केल, नंबर सिक्स पेंटाटोनिक स्केल, नंबर सेवन हेप्टाटोनिक स्केल और नंबर एट हेक्साटोनिक स्केल। तो ये हमारे 8 स्केल ये नाम थे। ठीक है, अब इनको हम कैसे पहचानते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला आता है नेचुरल स्केल। नेचुरल स्केल किसी भी देश की रुचि के आधार पर मधुर स्वरों को चुनकर जिस सप्तक की रचना की जाती है उसे नेचुरल स्केल कहते हैं। इसमें संवाद का विशेष ध्यान रखा जाता है। भारतीय संगीत का यही स्केल है, परंतु बाद में हारमोनी की आवश्यकता के लिए हमसे टेम्पर्ड स्केल का विकास हुआ। ठीक है, जब हारमोनी आई तो क्या हुआ, टेम्पर्ड स्केल का विकास हुआ, जो कि हम लोग अभी टेम्पर्ड स्केल के बारे में आगे बात करेंगे। तथा पाश्चात्य स्वर सप्तक में नेचुरल स्केल का विकास हुआ था। पाश्चात्य में किसका हुआ था, नेचुरल का, और हारमोनियम में किसका हुआ था, टेम्पर्ड स्केल का। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, नेचुरल स्केल के बारे में कि नेचुरल स्केल क्या होती है ना, इसकी क्या विशेषता है, कैसे हम पहचानेंगे कि नेचुरल स्केल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी पहले से कर रखा है वो लोग सब्सक्राइब पे बटन मत दबाएं। थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय।